जब तक नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक नहीं जीता था भाला फेंकने में जैवलिन में, तब तक उसके लिए सरकार ने क्या किया था? अभिनव बिंद्रा जिसने पहला स्वर्ण पदक जीता शूटिंग के अंदर, उसके पहले शूटिंग के पहले जब किया था तो सरकार ने उसके लिए क्या किया था या उसके एसोसिएशन फेडरेशन ने क्या किया था? मैं ये जानना चाहता हूं सरकार से कि ओलंपिक्स में, एशियन गेम्स में, वर्ल्ड चैंपियनशिप्स में भेजने से पहले आप उनके लिए क्या करते हैं? जीत के आने के बाद तो आप न जाने क्या क्या चीज उनको देते हैं जो मिलना भी चाहिए। एक अच्छा अभिनव बिंद्रा बनाने के लिए, एक नीरज चोपड़ा बनाने के लिए, एक पीवी सिंधु बनाने के लिए, एक साइना नेहवाल बनाने के लिए, एक साइना मिर्जा बनाने के लिए आपने सरकार क्या क्या करती है? ऐसा देश की बेटी या बेटा अच्छा करके बाहर से आता तो आप सब कुछ देने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन कैसे वो अच्छा बनकर आगे बढ़े उसके लिए डरते हैं? कहां है कोचेस, कहां है प्रशिक्षक? हमारे जो खिलाड़ी हैं आज भी उनकी यही हालत है कि वह जनरल बक्सों में डिब्बों में जाते हैं, टॉयलेट के सामने बैठते हैं, टॉयलेट उनका सामान होता है, जब वो जाते हैं खेलने तो ऊपर खाबड़ मैदानों पर खेलते हैं, खाने के लिए ढंग से मिलता नहीं, डॉर्मेट्री में रहते हैं, टॉयलेट के सामने खाना बनता है। अरे अगर आपको ओलंपिक्स की तैयारी की बात करनी है तो आपको 2028 की अभी करनी चाहिए, न कि जब आपकी टीम चली गई हो। ओलंपिक्स की तैयारी खेल लोग समझते खेल ऐसा ही है। जो खिलाड़ी जीत के आते हैं उन्हें पूरा सम्मान दिया जाता है और सभी चीज दिया जाता है। जैसे नीरज सर ने जीता ओलंपिक मेडल तो उनको कार, फ्लाइट और सी बहुत सारी चीज़ें दी गई, लेकिन आम खिलाड़ियों को कोई सुविधा नहीं दी जाती, खास करके हमारे बिहार में कुछ नहीं होता, क्योंकि हर खिलाड़ी कष्ट करके अपने मेहनत से खून पसीना बहा के अपने दम पर वो मैच खेलता है और उसे राजनीतिक के दल पे हरा दिया जाता है, फिर भी वो प्लेयर नहीं रुकता है, फिर भी मेहनत करता है, फिर हरा दिया जाता है, वैसे करते करते कोशिश। इस घर की जिम्मेदारियां हैं हर स्टूडेंट पे, हर बच्चे पे, लोग मेहनत करते हैं, सोचते हैं कि मेहनत कर रहे हैं कुछ पा लेंगे तो घर को संभाल लेंगे, लेकिन ये नहीं, बच्चा पूरा मेहनत करता है, आगे बढ़ने की कोशिश करता है पर बढ़ नहीं पाता और लास्ट में थक हार के इधर उधर जाते रहता है। कुछ लोग बाहर कमाने चले जाते हैं, कुछ लोग मजदूरी करने लग जाते हैं, कुछ लोग अपने पारिवारिक बिजनेस में घुस जाते हैं। ये मेरी कहानी नहीं, सभी की कहानी है, सभी, क्योंकि ना यहाँ अच्छा कोच है, ना यहाँ अच्छा यहाँ पे कोई जरिया है, क्योंकि यहाँ राजनीतिक चलता है। मैं शिवम बॉक्सर बिहार से, जिला शेखपुरा से हूँ, मेरे इधर भी यही सवाल है कि ना यहाँ अच्छा कोच है और ना यहाँ पे प्लेयर हैं लेकिन कोच नहीं है, और अगर कोई कोच तैयार करना चाहता है तो उसे ऊपर से ऑर्डर नहीं मिलता है, यहाँ किसी भी बच्चा को सपोर्ट नहीं किया जाता है। बस मैं इतना ही कहूँगा कि बिहार के सभी प्लेयर को सम्मान दिया जाए, सभी प्लेयर को सभी चीज़ मुहैया कराया जाए कि वो आगे बढ़ सके। थैंक यू सो मच, जय हिंद।